हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास. इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ रेट एज लोन. अ रेट हैज लोन. लोन इन द सेंस, हमें पैसे चाहिए होते हैं तो हम बैंक से लोन लेते हैं कि हम लोग अभी पैसे आप हमें दो, आफ्टर सम टाइम वी विल रिटर्न विद द इंटरेस्ट. ओके, उसे लोन बोलते हैं. ओके, जनरली हम पैसों की लोन लेते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला है, रेट, RAT, रेट. रेट मीन्स चूहा. ओके, तो लेट्स बिगिन द स्टोरी. द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल वन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. Let us now read about a young man who has his wits to help himself and his mother. Okay, here in this story we are talking about a young man and his intentions to help himself as well as his mother. Okay, let's begin. It was a quiet afternoon. 8 years old Somdat. Somdat was how many years old? Only 8 years old. Was sitting on a branch of a tree, sobbing into his kurta. His world had turned upside down in a matter of days. Upside down in a matter of days means ke वो एकदम प्रॉपर अपनी लाइफ जी रहा था, बट उसको नहीं पता था कि उसकी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी 2-3 दिनों में. ओके, तो क्या हुआ था ऐसा, तो चलो देखते हैं. ओनली अ वीक अगो ही वुड राइड हिज फेवरेट हॉर्स टू स्कूल. क्या हुआ, 1 वीक पहले वो हॉर्स पे राइडिंग करके अपने स्कूल गया. ओके, ही वुड हैव पूरीज फॉर लंच एंड लड्डूज और खीर फॉर डेजर्ट. हिज कजिन्स वुड फोन ओवर हिम एंड ही वॉज द फेवरेट ऑफ ऑल हिज अंकल्स एंड आंट्स. क्या था कि सब उसको बहुत प्यार करते थे. ही वॉज द फेवरेट अमंग ऑल द कजिन्स एंड इन फेवरेट ऑफ ऑल हिज अंकल्स एंड आंट्स. ओके, सबका फेवरेट था. बट सडन ऑफ ऐसा क्या हुआ, लेट्स सी क्या हुआ ऐसा. नाउ सोमदत्त फादर वॉज अ मर्चेंट. उसके फादर क्या थे, मर्चेंट थे. ओके, बाय प्रोफेशन हु ट्रैवल्ड. क्या करते थे वो, ट्रैवलिंग करते थे टू फार अवे लैंड्स विथ नट्स एंड स्पाइसेस फॉर सेल. वो स्पाइसेस और नट्स का बिजनेस करते थे, इसलिए वो सेलिंग करने के लिए ट्रैवल करते थे. ओके, आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रैवल ही वुड रिटर्न विद गोल्ड मनी एंड प्रेजेंट्स फॉर हिज वाइफ सन एंड अदर रिलेटिव्स. कि वो ऐसे नहीं कि एक दिन का सुबह गए शाम तक उन्होंने सेल किया फिर रिटर्न आ गए घर, बट ही यूज टू ट्रैवल for a few months continuously. Okay, and when he returned after 4 or 5 months, okay, वो कुछ महीने के बाद जब वो रिटर्न आता था अपनी फैमिली से मिलने, then he would return with gold purchase लेके आता, purchase करके आता था, या तो फिर बहुत सारे पैसे लेके आता था, and also उसकी वाइफ, उसके सन एंड उसके relatives, उसके अंकल आंट. मीन्स ये यंग लड़का है ना, उसके अंकल आंट, उसके कजिन, सबके साथ वो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आते. ओके, व्हाइल ट्रैवलिंग अक्रॉस द सी दिस टाइम, जब वो वापस जाते इस टाइम पे क्या हुआ, व्हेन ही रिटर्न्ड बैक टू द सी व्हाइल ट्रैवलिंग द मर्चेंट्स शिप वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म एंड सैंक. क्या हुआ, एक स्ट्रॉम आई, जिससे क्या हुआ, उसकी मर्चेंट जो शिप में बैठा था वो टूट गई और बह गई. ओके, उसमें द मर्चेंट डाइड लिविंग हिज वाइफ एंड सन एट द मर्सी ऑफ देयर ग्रीडी
रिलेटिव्स। ओके, क्या हुआ, अभी ये उसकी वाइफ एंड ये उसका सन दोनों को छोड़ के, उसकी तो डेथ हो गई, इसके हस्बैंड की और इसके फादर की। ओके, देन व्हाट हैपेंड, ये दोनों अपने कहाँ थे, रिलेटिव्स के घर में अपने, उनके साथ रहते थे। बट रिलेटिव्स इनको क्यों रखते थे, बिकॉज जब ये मर्चेंट, इसका वाइफ, इसका हस्बैंड और इसका फादर आता, तब सबके लिए वो गिफ्ट्स और अच्छी अच्छी प्रेजेंट्स लेके आता था, इसीलिए। बट क्या हुआ फिर, एक दिन इसके पापा की डेथ हो गई, तो क्या हुआ, उसके रिलेटिव्स का नेचर एकदम चेंज होने लगा, क्योंकि अभी उनको तो गिफ्ट्स मिलेंगी नहीं। तो लेट्स सी फर्दर, दे वेरी सेम रिलेटिव्स हु हैड ट्रीटेड द मदर एंड सो वेल अर्लियर, नाउ लुक्ड अपॉन देम एज अ बर्डन। जो रिलेटिव्स पहले इन दोनों के अगल बगल घूमते थे, अभी वो उनको क्या ट्रीट करते हैं, एज अ बर्डन, उनके ऊपर बोझ है दोनों। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स सी नाउ फर्दर, वो उनका ध्यान प्रॉपर नहीं रखते थे। नाउ फर्दर स्टोरी इज, सोमदत्त एंड हिज मदर वुड नॉट बियर द क्रुएल्टी। क्रुएल्टी मीन्स उनका बिहेवियर इतना रफ था उन दोनों की और उनके रिलेटिव्स का, कि वो दोनों भी बियर नहीं कर पाते थे। एंड वीकनेस ऑफ द रिलेटिव्स फॉर लॉन्ग, बहुत टाइम से वो लोग उनका गंदा बिहेवियर सहन कर रहे थे, बट अभी उन दोनों की एक लिमिट आ गई। तो उन दोनों ने, माँ और बेटे ने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड दैट दे लेफ्ट देयर होम एंड वेंट टू लीव विद अ फ्रेंड ऑफ सोमदत्त फादर इन अनदर टाउन। दूसरी टाउन में उसके फादर का एक फ्रेंड रहता था, वो दोनों, वो आंटी और उसका लड़का दोनों क्या, घर छोड़ के उस फ्रेंड के घर में रहने के लिए चले गए। ओके, तो वहाँ पे वो गए, तो वो सोमदत्त फादर के जो फ्रेंड थे, मतलब जिसकी डेथ हो गई, उसके फ्रेंड के घर गए थे। ओके, तो उस फ्रेंड ने उनको क्या ऑफर किया, शेल्टर यानी खाने पीने का सामान दिया और थोड़ी हेल्प करी। इन एक्सचेंज वो उन्हें खाना पीना देते थे, रहने के लिए जगह दी, उनकी हेल्प करते थे, बट रिटर्न ऑफ इन एक्सचेंज क्या मांगा था, कि मदर एंड सन हैड टू कुक, क्लीन एंड वॉश क्लोथ्स फॉर हिज लार्ज फैमिली। वो जिस घर में गए थे, वहाँ पे पहले से ही एक बहुत बड़ी फैमिली रहती थी, उन्होंने सोमदत्त और उसके मम्मा की हेल्प तो करी, बट क्या मांगा इन रिटर्न, कि उनको वहाँ पे खाना बनाना है, घर साफ करना है एंड क्लोथ्स भी क्लीन धोने हैं अच्छे से। ओके, तो सोमदत्त मदर वर्कड हार्ड ऑल डे, पूरा दिन सोमदत्त की मम्मा काम करते थे। शी नो लॉन्गर वॉर ब्यूटिफुल क्लोथ्स और ज्वेलरी, पहले जैसे वो अच्छे क्लोथ्स पहनते थे, ज्वेलरी पहन के रेडी होते थे, अभी वो वैसा नहीं करते। बट शी मेड श्योर, बट उसने एक चीज़, सोमदत्त की मम्मा ने क्या एक चीज़ श्योर करी, कि भले मैं कुछ ना पहनूँ, बट मेरा सन, उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, इसके लिए मैं ध्यान रखूँगी। तो उन्होंने क्या किया, शी मेड श्योर दैट सोमदत्त वेंट टू टीचर ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन सो ही कुड लर्न टू रीड राइट एंड काउंट। ओके, तो क्या उसने श्योर किया, कि मैं भले ये घर का काम करूँ, पर मेरा लड़का कौन है, सोमदत्त, वो सिटी से थोड़ा दूर, वहाँ जहाँ टीचर का घर है, वहाँ पे वो वहाँ पढ़ने लिखने जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे करके उसने पूरा काम करके अपने सन को पढ़ाया। देन 10 years passed इन दिस मैनर। ओके, 10 साल पास हो गए ऐसे। नाउ सोमदत्त तो अभी बहुत बड़ा हो गया होगा। सोमदत्त वॉज नाउ अ हैंडसम यंग मैन, हार्ड वर्कड हैड मेड हिम लीन एंड स्ट्रॉन्ग। हार्ड वर्क करता था, क्योंकि उसने अपने देखा था कि फादर है नहीं, मम्मा पूरा दिन काम करके मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी अच्छे से वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मैं उनका सपना पूरा करूं। तो सोमदत्त हार्ड वर्क करता था, बहुत मेहनत करता था और बहुत मेहनत से वो आगे बढ़ रहा था। ओके, हिज मदर
सोमदत्त तो बड़ा हो गया, यंग हो गया, बट ऑन दी अदर साइड क्या था, उसकी मम्मा हैड बिकम वीक एंड लुक्ड ओल्डर देन हर ईयर्स, बहुत ज़्यादा वो ओल्ड बुढ़ी होने लगी, ओके उसकी एज बहुत बढ़ने लगी, ओके स्वाभाविक है. एंड सोमदत्त वॉज पेंटेड टू सी हर टायर्ड एंड व्रिंकल्ड फेस. सोमदत्त जब उन्हें देखता था तो उन सोमदत्त को एक दर्द होता था कि मेरी मम्मा की हालत क्या हो गई है. ओके हम भी अगर देखते हैं कि हमारी मम्मा पूरा दिन काम कर रहे हैं तो उनकी वो थक जाते हैं, तो हमें भी फील होता है कि क्या है, हम थोड़ी उनकी हेल्प करते, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है. ही वॉन्टेड, सोमदत्त चाहता था कि ही वॉन्टेड हर टू बी कम्फर्टेबल एंड लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी अगेन. पापा के जाने के बाद मम्मा ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि अब मैं बड़ा हुआ हूँ ना, तो मैं मेरी मम्मी को वैसी ही लाइफ फिर से लौटा दूँ. ओके सो वन डे व्हेन शी सजेस्टेड दैट शी वुड विजिट वेद प्रकाश, अ वेल्दी मर्चेंट हु गेव लोन्स टू एंटरप्राइजिंग यंग मैन, ही डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक. ओके सो वन डे उसने, उसकी मम्मा ने उसको सजेस्ट किया और उसको एक आइडिया आया कि जो ये वैद्य प्रकाश के पास जाने की बात कर रहे, वो एक मर्चेंट है जो कि लोन पे पैसे देता है, उधार पे पैसे देता है यंग मैन यानी कि लड़के को. ओके सो ही डिसाइडेड, सोमदत्त ने डिसाइड किया कि मैं भी मेरा लक ट्राई करना चाहूँगा, मैं भी जाऊँगा उनके पास. ओके देन वॉट हैपन लेट्स सी. इन द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग सोमदत्त ओल्ड हिज हेयर, अच्छे से उसने बाल बनाए, ऑयल किया, टुक अ बाथ एंड पुट ऑन क्लोथ्स ही वोर ओनली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. ऐसे क्लोथ्स उसने पहने जो हमेशा वो फेस्टिवल्स होते हैं तब भी न्यू ड्रेस पहनते हैं, वैसे उसने ड्रेसअप किया और रेडी हुआ. फिर ही रीच वेद प्रकाश ह्यूज हाउस. ओके इट लुक्ड लाइक अ पैलेस विथ गार्ड्स एट अ गेट. वेद प्रकाश के हाउस में जब वो पहुंचा तो उसका हाउस तो एकदम ऐसे पैलेस हो ना वैसा लग रहा था, एंड गार्ड्स भी थे गेट पे. ओके सो सोमदत्त मेड हिज वे टू द रूम फ्रॉम वेयर द मर्चेंट कंडक्ट हिज बिजनेस. वहाँ पे सोमदत्त पहुँचा और उस रूम में जहाँ पे वेद प्रकाश बैठ के अपना बिजनेस चलाता है वो उस साइड आगे बढ़ने लगा. ओके जब वो जा रहा था तब क्या हुआ, वेद प्रकाश अ विजेंट ओल्ड मैन वॉज शाउटिंग एंग्रीली एट अ यंग मैन. ओके क्या हो रहा था वहाँ पे, जो ये वेद प्रकाश था वो किसी पे बहुत गुस्से में आके चिल्ला रहा था. ओके तो क्या वेद प्रकाश गुस्से में क्या बोल रहा था, लेट्स सी, किसको डांट रहा था, लेट्स सी, हाउ डेयर यू शो मी योर फेस. देव शर्मा, वहाँ पे एक और पर्सन था देव शर्मा जो वेद प्रकाश के साथ रूम में बैठा था और वेद प्रकाश जी उसको डांट रहे थे, गुस्से में आके चिल्ला रहे थे, और ये दोनों की कन्वर्सेशन किसने सुनी, सोमदत्त ने जो वहाँ पे लोन लेने गया था. ओके यू हैव नॉट पेड एनी इंटरेस्ट ऑन मनी आई हैड लेंट यू. कौन बोल रहा है, वेद प्रकाश जी बोल रहे हैं किसको, देव शर्मा को, कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे ना ही वो तूने पैसे रिटर्न किए ना ही उसका इंटरेस्ट मुझे तूने दिया है. ओके एंड नाउ यू टेल मी यू हैव स्पेंट द प्रिंसिपल एज वेल एंड देन यू हैव द गर्ल टू आस्क फॉर अनदर लोन. क्या बोल रहे हैं वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी बोल रहे हैं एक तो तूने इंटरेस्ट नहीं दिया, ऊपर से तूने जो मेरे से पैसे लिए थे वो तूने सारे खर्च कर दिए, एंड थर्डली कि तुम और पैसे मांगने मेरे पास फिर से आए हो, तुम में कोई शर्म नहीं आ रही है. ओके अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड. ओके क्या बोला, इट इज़ ट्रू व्हाट दे से अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड. ओके ये बोले. फिर देव शर्मा
विम्पर्ड, अभी कोई भी आप पे चिल्लाए, आपकी गलती हो तो आपका आवाज़ वॉल्यूम एकदम कम हो जाए। तो देव प्रकाश ने धीरे से बोला, एंड सॉरी आई नो आई डोंट डिजर्व अ सेकेंड चांस, मैं सेकेंड चांस डिजर्व नहीं करता, बट आई अपील टू योर जेनरसिटी, प्लीज़ लैंड मी जस्ट इनफ टू रीपे वॉट आई ओ और आई विल लैंड इन प्रिजन। क्या बोला उन्होंने कि मुझे थोड़ी अमाउंट आप उधार और दे दो ताकि जो मैंने पैसे आपसे लिए हैं वो मैं आपको लौटा सकूं। ओके, ये सब कौन, देव शर्मा की कन्वर्सेशन ये थी, ये वेद प्रकाश ने उसको डांटा। ओके चलो लेट्स सी फर्दर कि अभी देव प्रकाश ने उसको क्या आंसर दिया जब उसने ऐसा बोला। क्या आपको क्या लगता है, लोन देनी चाहिए? यस, मैं आपसे पैसे लेके जाऊं, फिर आपको इंटरेस्ट भी ना दूं और मैं बोलूं पैसे तो मैंने खर्च कर दिए तो, और फिर मैं दोबारा आती हूं आपके पास पैसे लेने कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है ताकि आपसे लिए गए पैसे मैं आपको रिटर्न कर सकूं, तो क्या आप मेरे पे सेकंड टाइम ट्रस्ट करोगे, पैसे दोगे? तो लेट्स सी फर्दर कि वेद प्रकाश ने क्या किया। तो वेद प्रकाश ने आंसर देते हुए कहा, इनफ इनफ ऑफ योर सिल्वर टर्न। सिल्वर टर्न मीन्स एक फ्रेज, एक इडियम है, मीन्स आप जब किसी को जबान देते हो, उसने जबान दी थी कि मैं इंटरेस्ट दूंगा, बट आप अपनी जबान पे खरे नहीं उतर पाए, ना ही उसने इंटरेस्ट दिया ना ही उसने अमाउंट लौटा दी, तो वो एक सिल्वर टर्न, एक फ्रेज है कि तुम झूठ बोल रहे हो इन सेंस में। ओके, अवे विथ यू गार्ड्स टेक हिम अवे रोड द मर्चेंट, रोड द मर्चेंट, मर्चेंट ने जोर से चिल्ला के बोला, इनफ ऑफ योर सिल्वर टर्न, तुम झूठ बोल रहे हो, और गार्ड्स को बोला कि इसको आके यहाँ से लेके जाओ। ओके, फिर ये सब कौन सुन रहा था खड़ा होके, सोमदत्त। ओके, तो लेट्स सी फर्दर कि आगे क्या हुआ। सोमदत्त ने वेद प्रकाश जो पहले से इतना गुस्से में थे उससे पैसे मांगे होंगे कि नहीं मांगे होंगे, और अगर मांगे होंगे तो क्या वेद प्रकाश ने सोमदत्त को दे दिए होंगे? चलो लेट्स सी। सोमदत्त वंडर्ड इफ दैट वॉज द बेस्ट टाइम टू आस्क द मर्चेंट फॉर द लोन। ओके, सोमदत्त जो कि वहाँ पे खड़ा हो के वो सब कन्वर्सेशन सुन रहा था, देख रहा था, वो उसने सोचा कि पहले से वेद प्रकाश इतना गुस्से में है, क्या ये करेक्ट टाइम है उनसे कुछ पूछने का, उनसे पैसे लोन लेने का? तो उसने क्या, ही हिड, हिड मतलब हाइड का पास फॉर्म होता है हिड, मतलब छुप जाना, ही हिड बिहाइंड अ कर्टन एंड वेटेड फॉर ओल्ड मैन टू काम डाउन। क्या हुआ, उसने सोचा अभी गुस्से में मैं उनसे डायरेक्ट लोन मांगने जाऊंगा तो वो तो सीधा मुझे बोलने ही नहीं देंगे, सीधा नाम बोल देंगे, तो मैं यहाँ पे ही कॉर्नर में छुप गया, वहाँ पे ही मैं, उसने सोचा कि मैं यहाँ पे रुक के थोड़ी देर वेट करता हूँ ताकि वो उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। जस्ट देन अ यंग मैन एंटर्ड द रूम विद अ ग्लास ऑन अ ट्रे। तभी क्या हुआ, एक यंग वूमन रूम में एंटर हुई ग्लास लेके, ओके ट्रे में। शी सेड हर फादर, वो कौन थी यंग वूमन, उस मर्चेंट की डॉटर। ओके, उसने अपने पापा को बोला, द स्कूल बटर मिल्क विल कम यू डाउन। वो अपने पापा के लिए बटर मिल्क लेके आई थी ठंडा, और उन्होंने बोला कि आप ये पी लो और आप एकदम शांत हो जाओगे। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी थिंग राइट नाउ, विनीता ग्रम्बल्ड वेद प्रकाश। वेद प्रकाश ने उसको, विनीता मीन्स कौन, वेद प्रकाश की डॉटर, जो कि वो रूम में बटर मिल्क लेके आई थी, वो लड़की का नाम है विनीता। ओके, विनीता कौन थी, तो वेद प्रकाश की डॉटर थी। तो वेद प्रकाश ने क्या बोला अपनी डॉटर को कि नहीं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो विनीता पूछी, व्हाट इज़ द मैटर फादर, आस्क्ड विनीता। विनीता ने अपने पापा से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर फादर। ओके, लेट्स सी फर्दर, फर्दर क्या होता, क्या उसके फादर ने क्या रिप्लाई दिया,
कि दिस वॉज वन ऑफ द रिच यंग मैन आई हैड लेंट मनी टू. यहाँ पे एक आदमी जो बिक गया, ओके, उसको मैंने थोड़ी अमाउंट दी थी, बट उसने तो कुछ लौटाया ही नहीं. ही हैज़ लॉस्ट ऑल द मनी, एक्सपेक्ट्स मी टू लैंड हिम मोर. क्या बोले उसके फादर कि एक तो मैंने उसको पहले अमाउंट दी, उसका तो उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, जो अमाउंट दी थी वो भी खर्च कर दी, अभी बेशरम होके मेरे से दूसरा ज़्यादा अमाउंट लेने फिर से आया है. ओके, वो अपने डॉटर को बोल रहे हैं, आई स्टार्टेड माय बिजनेस विथ नथिंग डॉटर. उसके फादर ने, वेद प्रकाश जी ने क्या बोला कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरे पास भी कुछ नहीं था. आई बिल्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रेच. मैंने अपनी लाइफ फर्स्ट से स्टार्ट की थी, मेरे पास कुछ था ही नहीं. सो आई हेल्प दोज हु शो प्रॉमिस सो दे डोंट हैव टू स्ट्रगल द वे आई डिड. मैं इसीलिए सबको हेल्प करता हूँ, सबको पैसे देता हूँ, ताकि जो मैंने स्ट्रगल की है वो कोई और स्ट्रगल ना करे. बट ऐसे पीपल की हेल्प करता हूँ जो ये प्रॉमिस दिखाएं कि अगर मैंने आपको हेल्प करी तो आप मुझे रिटर्न दोगे. ओके, बट मनी मेक्स देम लूज देयर हेड एंड दे बिगन टू स्क्वेंडर इट. क्या हुआ कि वेद प्रकाश जी ने बोला अपनी डॉटर को कि मैं इसीलिए सबको पैसे देता हूँ कि जो मैंने स्ट्रगल की है वैसे और कोई स्ट्रगल ना करे. ओके, बट ये लोग ऐसे समझते हैं कि पैसा मिल गया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, और अपनी दुनिया में वो पैसे खर्च करने लगते हैं. ठीक है, ही लुक्ड अराउंड देन कंटिन्यूड लुक एट द डेड रेट. और उसके फादर ने इधर उधर देखा और बोला कि ये मर गया चूहा, जो मरा हुआ है उसको देखो. विद द राइट स्किल, उसी वक्त अ मैन मे बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस फ्रॉम दैट. क्या कि चूहा जो मरा हुआ है, अगर मेन में अच्छी स्किल है तो वो उससे भी एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अगर उसमें प्रॉपर स्किल्स एंड हार्ड वर्किंग है तो ही. एट दैट टाइम, तभी ये बात सुन के सोमदत्त हैड बीन लिसनिंग इंटेंटली. वो केयरफुली वहाँ पे एकदम प्रॉपर अटेंशन के साथ उसने ये सारा कन्वर्सेशन पहले से ही वहाँ पे था वो सब उसने सुना. नाउ ही स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन्स. कर्टन्स के पीछे जो वो छुप गया था, ये कन्वर्सेशन सुन रहा था, वहाँ से वो बाहर आया एंड एड्रेस्ड वेद प्रकाश. वेद प्रकाश को उसने बुलाया. ही बोर्ड, उसके सामने उसने हाथ जोड़े एंड बोर्ड मीन्स ऐसे किए. ओके, देन सेड सर पार्डन मी. पार्डन मी मतलब अपोलोजाइज मी, उसने बीच में बोला, फॉर स्टैंडिंग हियर. मुझे माफ़ कर दो कि मैं इधर खड़ा था एंड वॉचिंग द गोइंग्स ऑन. गोइंग्स ऑन अगेन एक फ्रेज आया कि यहाँ पे जो हो रहा था वहाँ पे मैं छुप के सब देख रहा था, सुन रहा था. अभी क्या बोला सोमदत्त, विथ योर परमिशन आई विल नाउ टेक दिस डेड रेट एज अ लोन. विथ वॉट आई हैव लर्नड फ्रॉम यू आई विल सेट अप अ बिजनेस एंड वन डे रीपे यू. क्या बोला सोमदत्त ने कि अगर आपकी परमिशन हो तो वो जो मरा हुआ चूहा है मैं इसको एज अ लोन आपसे ले रहा हूँ. क्या बोला, आपको कुछ समझ में आया? अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे पैसे चाहिए, ओके, जो कि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ या तो फिर अपना खुद का बिजनेस खोल सकूँ. बट यहाँ पे आया था ये पैसे लेने, बट ये यहाँ से सोमदत्त क्या लेके जा रहा है, एक मरा हुआ चूहा, और उसको क्या कंसिडर कर रहा है, एज अ लोन. ओके, विथ वॉट आई हैव लर्नड. फिर वो सोमदत्त उन्हें क्या बोल रहा है कि जो मैंने आपसे सीखा है मैं ये बिजनेस सेटअप करूँगा और एक दिन मैं आऊँगा आपके पास, आपकी लोन भी चुकते करूँगा और उस पर इंटरेस्ट भी आपको दूंगा. ओके, तो ऐसा क्या देखा उसने मरे हुए चूहे में जो उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया. चलो लेट्स सी फर्दर व्हाट हैपन्ड.
with another bow. Somdat left. Father and daughter were dumbstruck. Dumbstruck means खड़े गए, खड़े शॉक रह गए कि वो मरे हुए चूहे से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेगा, मुझे भी आइडिया नहीं है क्या होगा। क्या अचानक से एक आया, मरा हुआ चूहा लिया और बोला कि ये मैं लोन ले रहा हूँ आपसे और इसके ऊपर मैं आपको रिपे एक दिन आऊँगा, आपका पूरा लोन चुकते करूँगा। फिर वो वहाँ से ऐसे चला गया। तो वो सब जो वहाँ पे थे वो तो एकदम शॉक रह गए कि फोर ईयर्स they had seen young man beg or weld for loans, okay? And here was a man who was taking a dead rat and counting it as a loan. ये young man सोमदत्त वहाँ से निकला, वहाँ से dead rat मरा हुआ चूहा लिया और उसने considered किया कि ये उसने मुझे loan दिए, okay? फिर उसने क्या किया, unaware of impression he had made, Somdat made his way to a busy market. Okay, in hubbub, someone called out. वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उसी बीच हम लोग जो आवाज़ बहुत सारे मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे लोग कितनी आवाज़ होती है, आपस में बात करते हैं लोग, ओके। उस दौरान उस किसी ने यंग मैन यानी सोमदत्त को बुलाया, डोंट थ्रो अवे द रेट, ब्रिंग इट हियर, ओके। उसके हाथ में एक मरा हुआ चूहा था, वो उसको उसके हाथ में था, तो वहाँ से किसी ने उसको बुलाया कि ये चूहा तुम लोग मरा हुआ चूहा फेंको नहीं, इधर आओ उसको लेके। Seeing the surprise looked on Somdat's face, the man explained, one of my cats. क्या बोला इधर कि वहाँ पे एक मैन खड़ा था, सोमदत्त के हाथ में मरा हुआ चूहा था, ओके। वो वहाँ पे लेके मार्केट से आ रहा था, बहुत ज़्यादा शोर था, वहाँ पे सोमदत्त को किसी ने पीछे से आवाज़ दी के कम हियर, डोंट थ्रो अवे द रेट, ये रेट को तुम फेंको नहीं, उसको मेरे पास लेके आओ। तो सोमदत्त एकदम सप्रे के मरे हुए चूहे का मैं तो लेके आया हूँ ऐसे लोन समझ कर, पर ये आदमी क्या करेगा। तो क्या हुआ, लेट्स सी। द मैन एक्सप्लेन, वन ऑफ माई कैट्स इज ओल्ड, कैनॉट कैच माइस, ओके। मेरे पास जो एक कैट है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है और उसमें इतनी ताकत नहीं है वो कि वो माइस को यानी कि रेट को पकड़ के वो खा सके, ओके। अगर तुम ये मुझे दे दो, इट विल रिलीज दिस स्ट्रीट, हियर टेक हिज बैग ऑफ बंगाल ग्राम इन रिटर्न। क्या बोला उसने कि तुम मुझे रेट दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें क्या दूंगा, बंगाल ग्राम की पूरी बैग उसको दे दी। सोमदत्त थैंक द मैन एंड वेंट होम। क्या हुआ, वो बंगाल ग्राम की जो बैग थी वो लेके सोमदत्त कहाँ गया, अपने घर चला गया, ओके। लेट्स सी फर्दर क्या हुआ, घर गया वो। एट होम सोमदत्त रोस्टेड एंड ग्राउंड द ग्राम इनटू सत्तू। उसने क्या किया, सोमदत्त ने जो बंगाल ग्राम उसको दिए थे उसने उसको रोस्ट किया और किस में कन्वर्ट किया, सत्तू बना दिया उसका, ओके। उसने ये सत्तू लेके क्या किया, ही टुक अ सत्तू एंड अ पॉट ऑफ वाटर टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। टाउन के बाहर जो आउटस्कर्ट एरिया है, आउटस्कर्ट मीन्स के पार्ट ऑफ अ सिटी सेंटर से बहुत दूर, ओके। ही गैदर्ड सम साल लीव्स एंड फोल्डेड दैम इंटू स्मॉल बाउल्स, ओके। उसने लीव्स लिए, लीव्स को फोल्ड करके उसने उसका बाउल बनाया, इन विच ही मिक्सड सत्तू विथ वाटर। क्या किया उसने, वो जो पानी लेके आया था और सत्तू लेके आया था वहाँ पे लीव्स पड़े थे, उसका उसने बाउल बनाया, उसमें सत्तू एंड वाटर को मिक्स कर दिया और थोड़ी देर वहाँ पे वेट किया। देन ही वेटेड, सून थोड़ी ही देर में वुड कटर्स यानी कि जो वहाँ पे जंगल में वुड्स काटने आते हैं, क्या किया उसने, देखो यहाँ पे दिखाया है ये क्या है, उसने सेल लीव्स के बाउल बना दिए, दिखाया ना।
Okay, then woodcutters come out of a jungle carrying bundles of firewood. ये देखो, यहाँ पे जो भी ये सब कौन है, ये सारे woodcutters हैं जो जंगल में से firewood लेके बाहर आ रहे हैं. सत्तू वहाँ पे बैठा ही है, उसने क्या बनाया है, ये बाउल बनाए लीज के, वाटर और सत्तू उसने मिक्स किया है. फिर जब वो लोग आते हैं बाहर तब क्या हुआ? यस, लेट्स सी फर्दर व्हाट हैपेंड. दे वे टायर्ड एंड थ्रस्टी. जो लोग बाहर आए जंगल में से, इतना काम करके वुड को काटा और लेके भी आए, तो उसने क्या किया, उन सबको सोमदत्त ऑफर्ड देम द कूल सत्तू एंड दे हैप्पीली ड्रिंक इट. ओके, सब वुड कटर को उसने ये सत्तू दिया और सब ने अच्छे से उसको पी लिया, क्योंकि सब तो बहुत टायर्ड और प्यासे थे. थर्स्टी मीन्स प्यासे. ओके, ईच वुड कटर गेव हिम सम फायर वुड इन रिटर्न. सोमदत्त थैंक देम एंड वेंट होम. क्या किया सोमदत्त ने, सबको सत्तू पिलाया, उसके रिटर्न में इन सब ने उसको पैसे नहीं दिए. क्या दिया उन्होंने? थोड़े थोड़े फायरवुड जो वो लेके आते थे उसके दौर थोड़े थोड़े उसको दे दिए. द नेक्स्ट मॉर्निंग सोमदत्त सोल्ड द वुड एंड बोट मोर बेंगल ग्राम. क्या किया इसने सोमदत्त ने, कि वो जो फायरवुड उसको मिली थी उसने वो बेच दी और जो पैसे मिले थे उसने फिर से क्या खरीद लिया, बेंगल ग्राम खरीदे. विच ही ग्राउंड इन टू सत्तू एंड सोल्ड टू द थर्स्टी वुड कटर. दूसरे दिन भी सेम प्रोसेस हुई. ही डिड दिस एवरी डे फॉर अ फ्यू मंथ्स. कुछ महीने वो ऐसे ही कंटिन्यूसली करता रहा एंड सेव द मनी. द रेंस वेयर बोट कम अबाउट टू कम. ओके, ऐसे कुछ महीने बीत गए, फिर सीजन भी तो चेंज हुई. फिर कौन सी सीजन आई? रेनी सीजन आई. ठीक है, नाउ अभी क्या हुआ, सोमदत्त बोट ऑल द फायर वुड ही कुड बट डिड नॉट सेल इट. सोमदत्त ने क्या किया, फायरवुड वो जितने कलेक्ट किया वो उसने वहाँ पे जमा कर दिए रखे, उसने सेल नहीं किया. ओके, सून देर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ ड्राई फायर वुड. क्या हुआ, रेनी सीजन थी इसीलिए वुड सारे गीले हो गए. ओके, तो सूखे हुए ड्राई फायर वुड वो कहाँ से लाए? बट सोमदत्त ने तो पहले से ही थोड़े थोड़े स्टोर किए थे, तो अभी क्या हुआ, फायरवुड, ड्राई फायरवुड की तो मार्केट में बहुत डिमांड हुई. तो सोमदत्त सोल्ड हिज पाइल एट अ ह्यूज प्रॉफिट. उसके पास जितने भी ड्राई फायरवुड थे उसका उसने ह्यूज मतलब प्राइस थोड़ा हाई करके सारे उसने सेल कर दिए, क्योंकि उस टाइम तो उसकी बहुत ज़रूरत थी. ओके, चलो अभी क्या हुआ, ये उसने सेल किया. फिर विद दिस मनी उसको तो बहुत प्रॉफिट हुआ. सोमदत्त बोट स्पाइसेस एंड नट्स. सोमदत्त के फादर क्या करते थे, स्पाइसेस और नट्स सी में जाके दूसरी जगह वो महीने महीने उसको सेल करते थे. ओके, सो अभी तो सोमदत्त के पास भी अच्छे खासे पैसे आ गए, तो सोमदत्त ने क्या किया, अपने पापा के जैसा किया, स्पाइसेस एंड नट्स लिए फ्रॉम हिज फादर्स ओल्ड फ्रेंड. अपने पापा के फ्रेंड से उसने ये स्पाइसेस एंड नट्स लिए एंड कहाँ गया, सेल टू द डिस्टेंट लैंड, और दूसरी जगह जाके वहाँ पे इसने बेच दिया. ही हैड मैनी एडवेंचर्स ऑन सीज. ओके, एक जगह से दूसरी वो ट्रैवलिंग बाय सी करते थे, तो उसके बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गए थे. एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना उसका बिजनेस ही है, तो उसका डेली लाइफ रूटीन बन गया. ही कम बैक अ सक्सेसफुल यंग मर्चेंट, बिल्ट अ हाउस वेर ही बिगन टू लिव विथ हिज मदर. क्या जब वो लौटा तो एकदम सक्सेसफुल मर्चेंट, बहुत पैसे वाला आदमी बन के वो आया. उसने उस पैसों से एक मस्त हाउस बना लिया एंड वहाँ पे वो अपने मम्मा के साथ अच्छे से रहने लगा. विद द मनी ही हैड अर्नड ही ऑल्सो सेट अप अ बिजनेस इन द टाउन.
हाउस तो बनाया पर उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने अपना एक बिजनेस भी वहाँ पे स्टार्ट किया। कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? लेट्स सी। When that florist he went to meet the Ved Prakash with a golden rat as a token of his gratitude. क्या था जब उसने अपना वादा नहीं भूला, उसने वेद प्रकाश को जिससे वो लोन मांगने गया था वहाँ से वो एक मरा हुआ चूहा लेके आया था, जिस मरे हुए चूहे जो किसी काम का ही नहीं है, यूजलेस है, उसने उसकी लाइफ ही बदल दी। ओके, तो वो वेद प्रकाश को जो जबान दे के आया था कि मैं आऊँगा लोन चुकाऊँगा मेरी, ठीक है, तो वो उसको याद आया और उस अभी तो उसके पास बहुत पैसा हो गया, तो वो अगेन गया वेद प्रकाश से मिलने ये एक गोल्डन रेट लेके। ओके, ये गोल्ड की रेट है, ठीक है, वो लेके गया एज अ टोकन ऑफ हिज ग्रेटिट्यूड उसकी जबान का। वेद प्रकाश डिड नॉट रिकॉग्नाइज सोमदत्त एट फर्स्ट, इट हैड बीन 5 years सिंस द लास्ट मीटिंग। जब पहले वो सोमदत्त गया था, अब वो फिर से गया है उसको अमाउंट देने, उसको टोकन देने की मैं यहाँ से ये लेके गया था, उसके बदले मैंने बोला था कि मैं तुझे दूंगा। तो वेद प्रकाश 5 साल के बाद सोमदत्त को तो रिकॉग्नाइज पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। ओके, व्हेन सोमदत्त हैंडेड, जब सोमदत्त ने हैंडेड हिम द गोल्डन रेड, वेद प्रकाश लुक्ड एट द यंग मैन एंड रिमेम्बर्ड द इंसिडेंट ऑफ द डेड रेड। जब सोमदत्त ने वहाँ पे जाके उनके हाथ में ये गोल्डन रेट दी, तब वेद प्रकाश को याद आया कि जो पहले 5 साल पहले इंसिडेंट हुआ था, एक आदमी यहाँ से मरा हुआ चूहा लेके गया, ये वही आदमी है। तो वो वेद प्रकाश रिफ्यूज टू टेक द रेट, बट सोमदत्त इंसिस्टेड। ही एक्सप्लेन्ड दैट नॉट ओनली हैड द डेड रेट बीन अलोन, बट वेद प्रकाश वर्ड्स वेर द इंस्पिरेशन दैट लीड टू हिज रेक्स टू रिचेस स्टोरी। ओके, जब मर्चेंट ने बोला कि मैंने तुम्हें कुछ लोन दिया ही नहीं, तुम्हें गोल्ड रेट क्यों लूँ तुमसे, तो सोमदत्त ने उसको फोर्स किया, इंसिस्टेड का मतलब फोर्स किया कि नहीं आप मुझसे ये ले लो, कि आप ये डेड रेट एज अ लोन तो एक बहाना था, बट आपने जो उस टाइम वो वर्ड्स मैंने आपके मुंह से सुने थे, वो कन्वर्सेशन आपकी सुनी थी, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि आज मैं जो रेग्स टू रिचेस स्टोरी मीन्स गरीब में से मैं इतना सक्सेसफुल अमीर आदमी बना, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपका है। ओके, भले आपने कुछ किया नहीं है, बट आप कि आपने जो वर्ड्स बोले थे वो मेरे माइंड को इतने लग गए कि मेरे गरीब से अमीर तक का जो मेरा सफ़र है बिकॉज ऑफ यू। ओके, तो वेद प्रकाश फाइनली एक्सेप्टेड द गोल्डन रेट। वेद प्रकाश फाइनली एक्सेप्टेड द गोल्डन रेट। सोमदत्त हैड रीपेड हिज लोन एंड ऑल्सो वॉन अ वाइस फ्रेंड एंड मेंटोर इन वेद प्रकाश। क्या हुआ, फाइनली वेद प्रकाश ने एक्सेप्ट किया गोल्डन रेट एंड उस सोमदत्त ने अपने सारे लोन चुका दिए, एंड ऑल्सो क्या उसने जीता, एक अमीर आदमी बना, एक ट्रस्ट जीता, और वेद प्रकाश ही उसके बेस्ट फ्रेंड भी बने एज वेल एज मेंटोर मीन्स उसके टीचर, उसके गाइडर भी बने। ओके, एज अ एडवाइजर। ओके, तो दिस वॉज अ स्टोरी विच वॉज रियली एन इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ दिस सोमदत्त। ओके, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस स्टोरी, गो थ्रू द चैप्टर वंस, रीड इट। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।